दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई 2023। दोस्तों हर स्त्री हरी चूड़ियों का यह उपाय करे फिर देखे चमत्कार। दोस्तों सावन के दूसरे सोमवार को यहाँ बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी। महा उपाय पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्राई के द्वारा बताया गया है। दोस्तों पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्राई बताते हैं कि जो भी स्त्री या पुरुष हरी चूड़ी का यह उपाय करता है उसकी 24 घंटे में मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को किस तरीके से और किस दिन किया जाता है। दोस्तों देखिए पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया ये उपाय हम आपको काफ़ी अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन करना होगा। दोस्तों सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को पड़ रहा है, तो इस उपाय को दोस्तों करने के लिए आपको हरी चूड़ियों का एक जोड़ा लेना है। दोस्तों ध्यान रखें चूड़ियाँ एकदम हरी होनी चाहिए और कहीं से भी चटकी हुई या टूटी हुई ना हो। एक जोड़ा हरी चूड़ी का लेने के साथ साथ आपको जरूरत होगी दोस्तों कलावे की। साथ में आपको लेना होगा दोस्तों लाल या फिर पीला चंदन और एक बेलपत्री, साथ में एक देसी का दीपक। अब देखिए दोस्तों आपको इन सारी सामग्रियों को सोमवार के दिन किसी बेलपत्री या फिर समी पत्र के पेड़ के नीचे ले जाना है। दोनों में से जो भी पौधा आपके आसपास हो या आपके घर में हो उसी पौधे के पास आपको इन सारी सामग्रियों को लेके जाना है। अब दोस्तों बेलपत्री के पौधे के नीचे जाकर आपको सबसे पहले एक लोटा जल बेलपत्री के पौधे की जड़ में अर्पित कर देना है। अब दोस्तों बेलपत्री के पौधे के नीचे आपको कोई कंकड़ लेना है। जो भी कंकड़ बेलपत्री के पेड़ के नीचे डलाओ उस कंकड़ को आप उठाकर उसे शिवलिंग बांधकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख लें और उस शिवलिंग की आप पूजा करें और श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपने जो दीपक लिया है उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। फिर दोस्तों आपको उस शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्री ली है उस बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर ओम लिखकर चंदन से, जो भी चंदन आपने लिया है उस चंदन से अपनी अनामिका उंगली से ओम बना करके आप बटकेश्वर महादेव का ध्यान कर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री अर्पित कर दें। अब देखिए जब आप बेलपत्री अर्पित करें तो बेलपत्री का डंडी वाला भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए और आपका जो मुख है वो दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने जो हरी चूड़ियों का जोड़ा लिया है उन जोड़ों को आपस में मिला लें चिपका कर। फिर आपने जो कलावा लिया है कलावा आपको हरी चूड़ियों पर पूरा लपेट देना है। दोस्तों ध्यान रखें ये कलावा आपको चूड़ियों पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर ही लपेटना है। अब देखिए आपकी जो भी कामना है उस कामना को अपने मन में दोहराते जाएं और कलावे को चूड़ियों के ऊपर लपेट दें। कलावा आपको इस तरीके से लपेटना है कि चूड़ियाँ आपको दिखाई ना दें, ठीक है। उसके बाद आपको उस कलावे में लास्ट में 3 गांठें लगानी हैं। जब आप गांठ मारें तब आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर गांठ के साथ बोलना है। जैसे कि आप 3 बार इसमें गांठ लगाएंगे तो आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस चूड़ी के जोड़े को बेलपत्री की किसी डाली पर कलावे की मदद से बांध देना है और इसे बांधते समय भी आपको अपनी कामना कह देनी है, जो भी आपकी कामना हो, ठीक है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। दोस्तों ये उपाय तो आपकी कामना को पूरा कर देगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की कमी बनी रहती है तो आपको उसी दिन इसी उपाय को करने के बाद जब आप अपने घर के लिए आएँ तो आपने जो कंकड़ को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा की थी उसी कंकड़ को आपको अपने साथ घर पर ले आना है और उस कंकड़ को आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लेना है। जब आप उसे स्थापित करें तो आपको उस कंकड़ के नीचे एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछा देना है और उस लाल कपड़े के ऊपर आपको इस शिवलिंग को रख देना है और रोजाना धूप दीप दिखाकर इस शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। दोस्तों ये उपाय आपको एक हफ्ते तक करना होगा। एक हफ्ते के बाद जैसे कि आपने किसी सोमवार से शुरू किया है तो अगले सोमवार के दिन आपको इस कंकड़ को किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही हरी चूड़ी का जोड़ा बेलपत्री के पेड़ पर बांधने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। तो अगर आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया ये उपाय अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तभ्यम जरूर लिख दें जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।